दरभंगा जिला से बड़ी खबर बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला में फिर से एक बार जमीनी विवाद में एसिड अटैक हुआ है। इससे पहले भी आपने खूनी खेल देखा, अब एसिड अटैक हुआ है जिसमें एक पक्ष के चार परिवार के सदस्य पर तेजाब डाल दिया गया है, जिसमें एक बच्चा भी है। सभी को DMCH लाया गया है जहां इनका इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक मौके पर पहुंचे हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं मीडिया को बताया गया है कि चार लोग तेजाब से घायल हुए हैं, जिनमें एक की आंख में तेजाब चला गया है और सभी का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के भी लोगों को चोट आई है, जिनका भी इलाज DMCH में ही चल रहा है। वहीं बताया जाता है कि APM थाना क्षेत्र के सिवई सिंहपुर गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुआ। लगभग दोनों तरफ से छह लोग घायल हो गए हैं। गांव के बजरंगी शाह एवं मोहन भगवत में वर्षों से जमीनी विवाद चल रही थी। शुक्रवार को शाम विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट में एक पक्ष द्वारा सिर फेंकने से परिवार के तीन लोग गंभीर और एक बच्चा भी घायल हो गया गंभीर रूप से। बजरंगी शाह का सोने चांदी का दुकान है। बजरंगी शाह का कहना है कि मोहन भगत के परिवार पर हमला कर दिया। आनंद फानन में अपने दुकान में रखे सोने चांदी साफ करने वाले एसिड छीनने के क्रम में तेजाब से घायल हुआ है। मोहन भगत का इंटरव्यू सुनाते हैं जो घायल है। बजरंगी शाह दूसरा पक्ष जो एसिड डालने का आरोपी है, हरिशंकर मिश्रा जो DMCH के अस्पताल अधीक्षक हैं। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देर रात तक इलाज चलता रहा है और अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने यहाँ पर सभी आरोपियों को यहाँ तुरंत ही DMCH में भर्ती करवाया है। जिस तरह से ये घायल और जिस तरह से हमला होता जा रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि अब समाज पहले जैसा समाज रह गया है। लोग एक दूसरे के जान के उतारू हो गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी छोटी बातों पर जमीनी विवाद हो या फिर मारपीट हो या गोली कांड हो या फिर एक दूसरे को परेशान करने की बात हो, आप समझ सकते हैं कि एक ही जगह इंसान को रहना है और एक जगह पर रहकर एक दूसरे से बैर करना, एक दूसरे के जान के यहां पर जो खातिल हो जाना, यह बड़ी बात है। और इस तरह से ये दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के सिवई सिंहपुर गांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसिड अटैक में घायल हो गए हैं कुछ लोग, जिनका इलाज DMCH में दरभंगा अस्पताल में चल रहा है। आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर करिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं कुछ लोगों का। यहां पर एक बड़ी बात यह है कि इससे पूर्व में जो दरभंगा में जमीनी विवाद हुआ है वो एक अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, लेकिन फिर से एक जमीनी विवाद का मामला सामने आया जिसमें एसिड अटैक हुआ। आप समझ सकते हैं एसिड अटैक में कितना बड़ा ये हादसा है। ये बड़ी बात है कि जिस तरह से लोग अपने समाज को रखना नहीं चाहते हैं, संजोकर चाहते हैं कि हम भी उजड़ जाएं और दूसरों को भी उजाड़ कर रख दें। ये बड़ी बात है, खासकर समाज को संभलने की जरूरत है, समाज को समझाने की जरूरत है। खासकर समय समय पर पुलिस प्रशासन को जागरूकता अभियान हो या फिर जागरूकता मंच के लिए भी करना चाहिए। वैसे जमीनी विवाद कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उन पदाधिकारियों को भी भाई दूध के छोड़ के बना लो, तामना है तो दूध के छोड़ के बना लो, तो हम इसमें टा गाड़ेंगे अपने घेरेंगे। हमको इतना दिनों से लगभग टॉर्चर कर रहा है, लगभग 2007 में हमने जमीन ली है, हमसे कोई भी बात नहीं है। मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, हद से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बेमतलब का टॉर्चर। छोटा छोटा बच्चा हो गया है, एक परिवार के हैं क्या? नहीं, हम एक परिवार, हमें अलग जाति, हम सुना रहे हैं जात का जो कर रहा है। कौन था वो अगला आदमी? अगला आदमी था मोहन भगत के परिवार है, परिवार है। हमारा कोई नहीं है वहाँ पर, हम अकेला सिंगल व्यक्ति हैं वहाँ। कब से चल रहा है घटना? कम से कम 2007 से चल रहा है घटना। कौन फंसा है मंटू भगत सब? मंटू भगत सब बचाने के लिए हम आए हैं, तो अपना चिट्ठी में फूटा गिरा है। कहाँ घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ सिमय सिंहपुर के साथ। जो डीएम से कहाँ है, क्या मामला हो गया ना? तीन जगह है मामला। वहाँ पर मेरा जमीन है, वहाँ पर मेरा भतीजा लोग गया था काम को, संदीप भगत। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, बोला कि इसमें नहीं काम हो, मैं उस पर हम लोग गए, अरे तुम इसको क्यों रोका है? इसी पर अचानक आया और तेजाब का सर पर फोड़ दिया हमारे भाई विकास कुमार के माथा पर, जो उसका सर फट गया, पूरा तेजाब पड़ा। उसके बाद हम लोगों पर भी फोड़ा, जो तेजाब हम लोगों को पूरा पड़ा छुटा हुआ बोतल से, जिससे मैं इंजर्ड। कितना लोग घायल है आप लोग? हमारे घर में तो तीन आदमी मुख्य रूप से हैं, विकास भगत, विजय भगत, विजय कुमार, विकास कुमार एवं अशोक कुमार भगत, तीन आदमी इंजर्ड हैं मुख्य रूप से। किन से हुआ था जमीनी विवाद, किन से चल रहा है? कोई विवाद उससे हमारा नहीं चल रहा है। अच्छा। उसके बाद वहीं पर मेरा विवाद बजरंग साहब से चला है। अच्छा।
बस उसी पर तेजाब चला दिया, तेजाब का बोतल फोड़ दिया सर, जिससे हम लोग पूरा सब आदमी पर उस पर मुख्य रूप से फोड़ा। एसिड जो फेंका था क्या, कौन था वो? बजरंग साहब, बजरंग साहब और उसकी पत्नी। कहाँ का मामला है? श्रीपुर बहादुरपुर का मामला है, शिवसिंहपुर श्रीपुर बहादुरपुर दोनों हैं। घर कहाँ है? मेरा तो सर्टिफिकेट घर है शिव सिंह को लिखते हैं, ऐसे श्रीपुर बहादुरपुर गांव का नाम है। अच्छा, मोहल्ला? मोहल्ला बस श्रीपुर बहादुरपुर। वार्ड आपका कौन सा है? वार्ड मेरा 13 न है जी, हम लोग का वार्ड 13 न है। हाँ, वार्ड 13 बहादुरपुर। एपीएम थाना का है ना? जी जी, एपीएम थाना का शिव सिंहपुर का है। भूमि विवाद में आपस में दो पक्ष उलझ गए हैं, तो एक पक्ष का जो है सो सर में चोट है और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके परिवार के तीन लोगों ने दो छोटा बच्चा पर भी एसिड से अटैक हुआ है। तो स्थिति नियंत्रण में है, ठीक हो जाएंगे वो लोग सब। एसिड अटैक में तो होता है जो जलन वगैरह बहुत मरीज को रहता है, जिसे थोड़ा कष्ट रहता है, उसको डॉक्टर लोग देख लिए हैं, तो एक आध सप्ताह लगेगा उनको ठीक होने में। कहे तो एसिड तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है और एक बहुत खतरनाक परंपरा समाज में पनपते जा रही है, बहुत ही घृणित है ये एसिड अटैक जो है ना, इसको किसी भी तरह से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अभी सर क्या हालत है? एक मरीज का तो आँख में भी लगता है पड़ गया है, तो उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आई सर्जन देखे हैं और दो मरीज ठीक है, दो बच्चा को भी लोग बोले हैं लेकिन उसको उतना है नहीं।